हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेलिंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 7.2 कैलकुलस यानी समाकलन करें। वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, वीडियो कंटिन्यू देखिए। पूरा हम लोग इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक एक करके हम लोग कवर करने वाले हैं। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके पूरा हाई लेवल तक हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पर लग गया है, बोर्ड पर देखिएगा क्वेश्चन एक नंबर क्या कहा है। 2x 1 plus x square का इंटीग्रेशन समाकलन निकल रहा है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए हम लोग क्या लें सॉल्यूशन, और यहां इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x upon 1 plus x square। देखिए नीचे वाला का डेरिवेटिव है यानी into dx, नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर में है, तो इसको डायरेक्ट आपका फार्मूला से बना लीजिए। डायरेक्ट फार्मूला पर हो जाएगा, शॉर्ट से बनेगा log 1 plus x square plus c, ये का डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग पूरा एकदम बेसिक से देखेंगे, एकदम जीरो लेवल से कि एकदम कैसे है। पहले हम लोग लॉन्ग सीखेंगे, उसके बाद शॉर्ट सीखेंगे बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सीखते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया इंटीग्रेशन निकालने के लिए 2x upon 1 plus x square into dx। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, फुट यानी हो जाएगा 1 plus x square बराबर t कर लेंगे। देखिए क्यों किए हैं, 1 plus x square हम लोग मान लिए हैं, 1 plus x square बराबर t डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए आप इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो हो जाएगा 2x बराबर dt by dx। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x into dx बराबर dt हो जाएगा। देखिए अब इसका मान जो है ना यहाँ पर क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा 1 plus x square, हम क्या माने t माने हैं, यानी हो जाएगा 1 by t into क्या हो जाएगा dx, 2x into dx बराबर dt माने हैं। तो देखिए 2x into dx बराबर क्या है, dt हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से इंटीग्रेशन निकलेगा log t plus c होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मान को पुट कर देंगे, यानी हो जाएगा आपका log। अब देखिए t का मान हम लोग क्या रखे थे, 1 plus x square plus c, यही तो हम लोग शॉर्ट में निकाले थे। देखिए कितना आसान है, अगर कंसेप्ट आप समझ गए ना, जब आप बेसिकली देखा जाए लॉन्ग अगर समझ गए तो शॉर्ट भी बहुत आसानी से समझ जाइएगा। इसी तरह हम लोग देखिए इस वीडियो में आपको बताया है पूरा क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.2 का कंप्लीट वीडियो में लेकर आऊंगा, एकदम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में बनाकर पूरा एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन में करा दूंगा। आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, वीडियो को स्किप करके ना देखे, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। चलिए दो नंबर क्वेश्चन क्या है, दो नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वीडियो के आप रोक कर इसको उतार सकते हैं। चलिए दो नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दो नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक जो है उसका करेंगे लॉन्ग प्रोसेस, उसके बाद हम लोग सीखेंगे शॉर्ट। जैसे दो नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, यानी दो नंबर में क्वेश्चन में log x स्क्वायर अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हल, इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर बाई x इंटू डी एक्स। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए क्या, यहाँ log x का स्क्वायर बाई x है इंटू डी एक्स इंटीग्रेट, यहाँ पर क्या मान लेंगे पुट, यानी हो जाएगा log x बराबर t कर लेंगे। अब यहां से लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अब इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। देखिए अब यहां से क्या कीजिएगा, अब यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, यहां पर कहने का मतलब यानी क्रॉस कर दिए, यहां हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। चलिए इसी मान को यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ मार्कर आपको ना चेंज किया मार्कर, चलिए कोई बात नहीं, देखिए दिखाई दे रहा है नीचे, हाँ डी एक्स बाई एक्स बराबर डी टी कर देंगे। अब यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर माने थे क्या, लॉग एक्स का मान हम लोग क्या माने थे, टी माने थे, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब देखिए डी एक्स बाई एक्स हम लोग क्या आया है, डी एक्स बाई एक्स मेरा डी टी आया है, इंटू क्या कर देंगे डी टी हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन में आपको बताया है करने का मतलब, देखिए इंटीग्रेशन में क्या कीजिएगा, ऊपर वाला का स्क्वायर करने का मतलब, ऊपर वाला में एक जोड़ कर उतना ही से भाग देते हैं, यानी आपका हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, अब यहाँ पर देखिए 1 बाई 3
वन बाई थ्री कर देंगे कॉमन है, और टी का मान कितना है बोलिए, मान है लॉग लॉग एक्स का क्यू प्लस सी, ये आपका क्या हो करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए एकदम बढ़िया से हम लोग एक एक क्वेश्चन को टच करेंगे, हाई लेवल का जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक ले हम लोग क्वेश्चन को टच करेंगे। ये आपका सी है, ये आपका आंसर आ जाएगा वन बाई थ्री लॉग एक्स का क्यू प्लस सी। अब वीडियो को रोक के इसको उतार सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीन नंबर, अब वीडियो को रोक के उतार सकते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तीन नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा बोर्ड पर लिखा है। तीन नंबर क्वेश्चन है आपका, यानी तीन नंबर में क्वेश्चन है वन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स का लॉग एक्स का यहाँ पर बोला है इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तब बोले हम आपको क्या लिखिएगा सोल्यूशन, सोल्यूशन इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स चलिए इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन ले लेंगे। देखिए डाटा क्या है आपका, यानी हो जाएगा वन ने अपॉन एक्स, एक्स कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस आपका हो जाएगा लॉग वन प्लस लॉग एक्स हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे पुट पुट, अब देखिए यहाँ पर क्या है वन प्लस लॉग एक्स बराबर क्या लेंगे टी डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए यहाँ पर कीजिएगा करेंगे मतलब क्या आ जाएगा वन बाई एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस कीजिएगा डी एक्स बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे मान को पुट कर देंगे, मान को कैसे पुट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा यानी वन प्लस लॉग एक्स बराबर क्या माने थे टी, यानी वन बाई टी और इंटू क्या हो जाएगा डी टी। याद देखिए डी एक्स बाई एक्स का हम लोग मान कितना आया डी टी आया है, यानी करेंगे डी एक्स बाई एक्स का मान डी टी कर देंगे और वन प्लस लॉग एक्स बराबर हम लोग क्या माने थे टी माने थे। अब देखिए फॉर्मूला होता है नीचे दिखाई देगा ना, यानी फॉर्मूला होता है लॉग लॉग टी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर मान को पुट कर देंगे यानी हो जाएगा लॉग, अब देखिए लॉग टी का क्या माने थे वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एकदम आसान है, हम बोले इस चैप्टर में पूरा एक सौ साइड में हम बता रहे हैं पूरा क्वेश्चन को टच करेंगे, हम पूरा क्वेश्चन हम लोग बनाना सीखेंगे करने वाले, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन इसमें बताएंगे वीडियो में। इसका पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री हम लेकर आएंगे, तुरंत आएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप करना, वीडियो कंटिन्यू देखें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।